Very good morning students, welcome to Pennington Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 4, Chapter 3, Trip to Bhopal, Part 2. I hope previous part आपने किया होगा, समझा भी होगा और उसकी एक्सरसाइज नोटबुक में रिपीट की भी होगी, है ना बच्चों? चलो अभी नेक्स्ट पार्ट में देते हैं. यहाँ पे भीम बेटका करके एक प्लेस है भीमबेटका. अभी आफ्टर दी बसेस आर रेडी, हमने लास्ट पार्ट में देखा कि बस कहाँ पे थी, पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाने आई थी. अभी वो नेक्स्ट जर्नी कर रहे हैं. द जर्नी स्टार्ट अगेन. नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका, है ना? अंजन, वॉट इज भीमबेटका? रहना बोलती है. इट्स द प्लेस पेंटिंग मेड बाय द 10,000 ईयर एगो, मेड बाय द पीपल 10,000 ईयर एगो, 10,000 ईयर्स पहले की पेंटिंग्स है क्यों में, है ना? तो सुमन को क्या बोलता है, 10,000 ईयर, आई कांट इवन थिंक अबाउट 1,000 ईयर बैक. तो गोपी बोलती है, ओ 1,000 ईयर बैक इज द बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक 100 ईयर्स. गौरी सेज, आई कैन थिंक 100 ईयर्स. तो गौरी बोलती है, मैं थिंक कर पाऊँगी 100 ईयर्स, बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज 100 ईयर्स ओल्ड. मंजीत, दैट मीन्स द केव आर अल्मोस्ट 100 great grandmothers ऑफ ओल्ड, है ना? Now the children are really excited to see the cave's painting. It is about 11 o'clock when they reach Bhimbetka. तो एक चाइल्ड बोलता है, वाओ इवन 10,000 ईयर है गो द पीपल मेड सच अ लवली पेंटिंग्स, दैट टू एंड रॉक. तो अदर बोलता है, ओ दीज रॉक्स आर 1,000 ईयर्स ओल्ड, वी कांट इमेजिन, है ना बच्चों? आपने कभी ऐसी पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस पे विजिट की है? की है तो ऑब्जर्व करना है. कोई भी जगह पे गए हम हिस्टोरिकल प्लेस में, तो वो कितना पुराना है, उसमें क्या क्या खासियत है, वो सब जानना है, है ना? आपको ये भी जानना है हमारे पैटर्न में कौन सा है हिस्टोरिकल प्लेस. यस, रानी की वाव. तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करना है, उसकी देखना है कितने ईयर्स ओल्ड है, किसने बिल्डअप की है, है ना बच्चों? Now come to the point, है ना? शंकर बोलता है, this painting also has very big basins. Hey, I got an idea. I will count the basins and you count deer in the painting. तो बोनोमाला क्या बोलती है, I will count the people. Let us see which are the most basin. डियर और पीपल, कौन सबसे ज़्यादा है? तो काउंट करने में क्या है, हाउ मैनी मोर डियर आर देयर इन बीसन्स, डियर कितने हैं? 137, है ना? और बीसन्स कितने हैं? 37. 117 ये डियर है, 117 एंड 37 ये बीसन्स है. तो अगर उसका डिफरेंस माइनस किया तो वी गेट एन आंसर 80. बट बोनोमाला हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल आर इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बीसन्स टुगेदर, हर काउंट इज लेस देन 200. तो कितना होगा बच्चों? यस,
117 और 37 यानी कितना होता है? 117 प्लस 37 यानि 4 कैरी 1, 154। आया बच्चों? The guide tells that there are 600 caves painting in all. It is the time Liu Bimbetka. They have spent 1 hour there. तो कितना टाइम हुआ बच्चों? Yes, 12 o'clock. They are now moving towards Bhopal. They should reach there less than 1 hour. About कितने बजे पहुँचेंगे? लेस देन 1 आवर यानी अभी वहाँ पे भीम टेक्का पे उन्होंने कितना टाइम लिया? 12 o'clock हुआ, तो 1 आवर के डिस्टेंस पे भोपाल है, तो कितना होगा? अराउंड 1 o'clock, है ना बच्चों? यहाँ देखो, गिवन भोपाल इज 70 kilometers of their school and Bhimbetka is 50 kilometers from their school. So the Bhopal to Bhimbetka is 70 minus 50, that means 20 kilometers. And he started 12 o'clock ko kiya, to around 1 o'clock ke around pahunch jayenge, hai na? Okay, next page dekhte hain. Lunch time hua abhi. तो लंच टाइम में क्या किया? द चिल्ड्रंस आर हंग्री बाय दिस टाइम, सो दे टेक आउट देयर लंच पैक. बिस्किट्स, ऑरेंज एंड बनाना आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल बसेस. ईच चाइल्ड को कितने ऑरेंज मिले? ले 1 ऑरेंज और ईच चाइल्ड को 1 बनाना और 5 बिस्किट्स, ऐसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया. बट ऑल चिल्ड्रन टेक द ऑरेंज एंड बिस्किट, बट बनाना 38 चिल्ड्रंस आर नॉट टेक बनाना. हाउ मेनी ऑरेंज बिस्किट्स एंड बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कैलकुलेट करेंगे. तो पहले तो ऑरेंज कितने होंगे बच्चों? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? 210. तो ऑब्वियसली ऑरेंज सबको एक एक दिया यानी 210 ऑरेंज हुए. और बिस्किट्स कितने दिए? 5 यानी 210 बच्चों को 5 ऑरेंज दिए. तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यस, मल्टीप्लाई 210 इंटू 5. तो कितने बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट हुए? 1050. अभी बनाना तो हर एक चिल्ड्रन को टास्क दिया है ना, तो 210 चिल्ड्रन है यानी 210 बनानाज हो गए, पर उसमें से 38 बच्चों ने लिया नहीं है. तो 210 माइनस 38 करेंगे तो हमको पता चलेगा ना कितने बच्चों ने लिया है. तो आंसर इज 172. बच्चों नेक्स्ट देखते हैं. मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट द आस्किंग पजल पास टाइम, है ना. मंजीत टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150. यस, आंसर इज 125. भानु 120 नंबर एंड इट इज 125. तो वो बोलते हैं राइट, ओके, यू आस्क. तो इट इज 125 नंबर्स. अदर चिल्ड्रन ज्वाइन एंड एवरीवन आस्किंग अ पजलिंग क्वेश्चन. तो वो पजल के क्वेश्चन हम आगे देखते हैं. यस, आई हैव अ 4 टॉफी, ईच टू 4 माय फ्रेंड्स एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी विथ मी एंड हाउ मेनी टॉफी डिड आई हैव. टोटल नंबर ऑफ टॉफी क्या है? नंबर ऑफ फ्रेंड्स who get the toffees, 4 friends हैं, उनको 4 chocolates मिली है. नंबर ऑफ टॉफी गिवन, तो वो 4 into 4, ओके. एंड टॉफी लेफ्ट, उसके हाथ में कितने लेफ्ट हुए? तो 3. तो 4 into 4 is 16 plus 3,
19, 19 टॉफीज उसके बाद में, ये फर्स्ट पजल हुआ। सेकेंड पजल, व्हाट व्हाट द नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7? यू कैन मेक 357, 537, व्हाट आर अदर दैट आर 375, 573, 735 एंड 753? आप ऐसे 3 डिजिट्स, एनी डिजिट्स लेके भी ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो आप लोगों को आपके नोटबुक में अनदर नंबर लेके, एग्जांपल लेके भी ये कॉम्बिनेशन बनाने हैं। दिस इज योर होमवर्क। थर्ड पजल है, अ नंबर बिकम अ डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8, देन व्हाट इज द नंबर है, व्हाट इज द नंबर? द नंबर विल बी 8, बिकॉज 8 + 8 इज 16, विच इज डबल ऑफ 8। यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पजल आते हैं। थिंक अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5, कम्स बिटवीन 25 to 50, दैट नंबर इज 30, है ना? तो 2, 3 एंड 5 ये इसका सबसे डिविजिबल होने वाला नंबर है 30। स्मॉल आंट क्लाइम 3 सेंटीमीटर इन वन मिनट बट स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर। हाउ मच टाइम इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर? द डिस्टेंस कवर इज 1 सेंटीमीटर। सो 3 - 2 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। आंट क्लाइम 1 सेंटीमीटर इन 1 मिनट, सो इट विल टेक 2 मिनट्स टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर। यस, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे विच बोट डू वी टेक, है ना? ये पार्ट हम फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।